होगा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट। लगातार जनता के बीच में ये प्रश्न बना हुआ है, जनता अपने नेताओं से प्रश्न कर रही है कि जब आप लोकसभा में होते हैं तो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं। मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, स्मार्ट सिटी है, व्यवसायिक शहर है, और बरसों से एक मांग लोगों के मन में है कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट चालू हो, हवाई सुविधाएं बहाल हो। मैं आज आपको मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट है उस जमीन पे खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट का ये खुला मैदान है। कभी यहाँ से हवाई जहाज उड़ा करती थी, एक समय था कि यहाँ से छोटे हवाई जहाज लोगों को दूर दराज ले जाया करते थे, लेकिन सरकार की नियति, सरकार का नियम हवाई अड्डे को बंद कर दिया। लगातार इसको खोलने की मांग हो रही है। जमीन पर्याप्त है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि जमीन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है, कितना खुला क्षेत्र है। यहाँ से छोटे हवाई जहाज तो निश्चित ही उड़ सकते हैं, लेकिन सरकार की उदासी, जनप्रतिनिधियों की उदासी के कारण यह एयरपोर्ट चालू नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार जनताओं को सुविधाएं, जनता को सुविधाएं कब मिलेगी। मुजफ्फरपुर एक बड़ा व्यवसायिक शहर है, बहुत दूर दूर से लोग, बहुत राज्यों से लोग आपको यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं। कपड़े की बहुत बड़ी मंडी है, सोना की बहुत बड़ी, सोना चांदी की मंडी है, इसके बाद लोहा है, कई कई क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर का एक भारत में स्थान है। व्यवसायिक केंद्र को लेकर मुजफ्फरपुर का जो सेंटर है बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। यहाँ का सूता पट्टी एक समय में मैनचेस्टर कहा जाता था। कपड़े की बहुत बड़ी मंडी है, दिन दुनिया बाहर के देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं लोग, श्रीलंका से लोग आते हैं। मुजफ्फरपुर एक बहुत बड़ा व्यवसायिक सेंटर है और बहुत पुरानी मांग है। जबकि एयरपोर्ट के लिए जमीन लेना नहीं है सरकार को, एयरपोर्ट के लिए पहले से जमीन है सरकार के पास, सिर्फ यहाँ पे सुविधा बहाल करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मुजफ्फरपुर की धरती पर लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भी एयरपोर्ट के बारे में कहा था कि एयरपोर्ट चालू होगा, लेकिन एयरपोर्ट चालू नहीं हो सका। उन बातों को नहीं खाते हैं यहाँ के स्थानीय सांसद। वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है, और दोनों सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है वो गठबंधन की पार्टी लोजपा की है, और भाजपा और मुजफ्फरपुर लोकसभा जो है वो भाजपा के यहाँ के सांसद हैं अजय निषाद जी, उनके द्वारा भी ये मांग होनी चाहिए थी। नहीं बड़े विमान तो कम से कम छोटे विमान, हेलीकॉप्टर सुविधा भी अगर हम बहाल कर देते हैं तो यहाँ के व्यवसायियों को बहुत बड़ा लाभ होगा, यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। बगल में कुशीनगर जो छोटा सा आपको जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शुरू कर दिया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी चालू नहीं हुआ। दरभंगा में एयरपोर्ट चालू किया गया, वो एयरफोर्स की ज़मीन पर चालू किया गया, जबकि यहाँ मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की अपनी ज़मीन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपनी ज़मीन है, कहीं से कुछ लेना नहीं है, फिर भी सरकार की उदासीनता के कारण एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ। बहुत आंदोलन भी हो रहे हैं, लगातार इन बातों को उठाया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट कब चालू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात को लोकसभा में नहीं उठा पा रहे हैं, लोकसभा में जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण से एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ। एयरपोर्ट चालू नहीं हो जाने के कारण मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों को दिक्कत हो रही है, खासकर वो क्रिटिकल पेशेंट जिनको इमरजेंसी में दिल्ली मुंबई ले जाना पड़ता है, उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, वो यहाँ से पटना जाते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार जनता के प्रति चिंतित नहीं है, जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये एयरपोर्ट का ये जमीन है, जगह है, यहाँ पे बड़े बड़े बोइंग भी उतर सकते हैं। जो समस्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बताई जा रही है, उन चीज़ों को देखा जाए तो जगह की कमी नहीं है। अगल बगल में
जो छोटे छोटे गांव हैं वो जमीन देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उन चीज़ों को गहराई से नहीं समझा जा रहा है। जनता तैयार है, जनता सरकार को सहयोग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो एयरपोर्ट को चालू करने के लिए इच्छुक नहीं दिख रही है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को चालू करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं है, जिस कारण से मुजफ्फरपुर की जनता एयरपोर्ट की कमी के कारण भारी परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दिक्कतें आती हैं। आज के समय में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है, पटना से नहीं होने के कारण व्यवसायियों को बहुत दिक्कत होती है, खासकर वो व्यवसायी जो दक्षिण भारत में जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, उन लोगों को एयरपोर्ट की कमी के कारण ट्रेन से जाना पड़ता है, बहुत समय लगता है, बहुत परेशानी होती है, और खासकर मरीजों को भी बहुत परेशानी होती है, जो क्रिटिकल मरीज जो हॉट पेशेंट हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, उन लोगों को भी दिक्कत होती है एयरपोर्ट की कमी के कारण। तो हमारा चैनल नया बिहार न्यूज़ भारत सरकार से मांग करता है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को अविलंब चालू किया जाए, जनता की आवाज़ को समझा जाए, जनता की परेशानी को समझा जाए और एयरपोर्ट को चालू किया जाए। नया बिहार न्यूज़, मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर से।